हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है वो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। आपकी ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आई हुई है, तो आपकी ये जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपकी ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। और अगर बात की जाए आपके क्वालिफिकेशन की, तो अगर जो आपने BA BTech एंड डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी और इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए और आपके इसमें कुल पदों की संख्या क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन डेट यानी आपके फॉर्म जो भरना शुरू हो गए हैं 29 जुलाई 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। कब तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपके ये फॉर्म 4 अगस्त 2022 तक भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के ऑलमोस्ट किसी भी कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है। जैसे कि जनरल OBC EWS SC और ST PH यानी दिव्यांग कैंडिडेट जो होते हैं, ये आपके फॉर्म एकदम फ्री में भरे जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज जो आपकी है मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की जो संख्या आपकी है वो है 182, यानी 182 इसमें आपके कुल पद हैं। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट नेम आपका है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो आपकी पोस्ट है, उसमें जो आपकी टोटल सीट की संख्या है वो है 16 और आपकी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की जो आपकी सीट है इसमें आपकी टोटल सीटों की संख्या है 4। सबसे अच्छी जो आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की, सबसे ज़्यादा अगर जो आपके पोस्टों की मतलब सीटों की संख्या, तो सबसे ज़्यादा आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपकी 150 सीट हैं, 150 आपके कुल पद इस सीट में हैं आपके। और फिर आपके ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपके 12 पद हैं। बात की जाए आपकी क्वालिफिकेशन की, तो आपके असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BA BTech डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर जो आपने कर रखा है तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एंड सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन एनी बोर्ड इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी बोर्ड से अगर आप पास हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल हैं, तो फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।